परासिया में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है यह शिविर लगातार 4 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई लोगों के मोतियाबिंद का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। परासिया के झूरे कॉलोनी में निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में गरीब बेसहारा लोगों की मोतियाबिंद सहित आंखों से संबंधित परेशानी की जाँच की गई। गौरतलब है कि गरीबों के लिए देवजी नेत्रालय द्वारा लगातार 4 वर्षों से निःशुल्क जांच की जा रही है। शिविर में भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल महामंत्री अखिलेश कोटारी के द्वारा जबलपुर की टीम को विशेष तौर पर बुलाया जाता है और जिनको भी मोतियाबिंद की परेशानी होती है उनका जबलपुर में निःशुल्क इलाज कराया जाता है। लगातार ज्योति देने का कार्य यहाँ जबलपुर के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें बहुत ही अधिक संख्या में जो एक बीमारी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद जो मोतियाबिंद का सभी को आवश्यकता पड़ती है उसके लिए लगातार संस्था सक्रिय है। इसमें जो मरीज गंभीर रूप से मोतियाबिंद से पीड़ित है, जिनको ऑपरेशन की नितांत आवश्यकता है, उनका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उनको ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। जहाँ उनका देवजी नेत्रालय जो कि जबलपुर में स्थित है, निःशुल्क यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।